السلام علیکم ناظرین، میں پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ اس وقت موجود ہم گوالپور ون بلاک میں، جو آج کرمی کا جنوسوا بہت بڑا پروگرام رکھا گیا آج۔ تو دوستو اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں কংগ্রেসের সভাপতি সভানেত্রী অনিতা পাল মহাশয়া আছেন, পম্পা সরকার জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনার দায়িত্বে এই কারণদিঘি চাকুলিয়া গোয়ালপুকুর ইসলামপুর চোপড়া এই পাঁচটা ব্লক আছে দায়িত্বে। আরো মঞ্চে অনেক অঞ্চল গোয়ালপুকুর ওয়ার্ডে প্রথম মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন হচ্ছে, এটার জন্য আপনারা যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি 13 তারিখে রাজ্যের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি যিনি রাজ্যের हर अंचल से यहाँ पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं और इतना महिला आई है कि जगह कम पड़ गए हैं, इस पर आप किस तरह से खुलासा करेंगे? देखिए, ये तो सिर्फ कर्मी सभा है, लिमिटेड इनविटेशन लिमिटेड हुआ था सिर्फ कर्मियों को, लेकिन यहाँ बिन बुलाए इतनी सारी महिलाएं आ गई है, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सिर्फ कर्मी लोगों को बुलाए थे, कर्मी महिलाओं को, लेकिन यहाँ उनके साथ एक एक कर्मी के साथ कम से कम 10 आदमी 10 महिलाएं आ चुकी हैं, और उसी की वजह से हम लोग जगह नहीं दे पा रहे हैं। 700 कैपेसिटी था, लेकिन यहाँ 1000 से ऊपर आप लोग देख ही रहे हैं, 1000 से ऊपर महिलाएं उपस्थित हो चुकी हैं और हम लोग मैनेज कर दिए हैं, चेयर का मैनेज बाहर से कर दिए हैं, बैठा दिए हैं सबको, शांतिपूर्वक मीटिंग चल रही है। मैंने पोखर में कभी भी महिला एमएलए नहीं जीती, कहना चाहेंगे? देखिए, ये महिला एमएलए नहीं जीती है, इसके बारे में तो कैंडिडेट दिया ही नहीं गया तो जीतेंगे सब? इसके बारे में मेरा ख्याल है कि मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि ये सीएम डिसाइड करेगी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी डिसाइड करेगी कि किन कैंडिडेट किसको देना चाहिए, ये तो मैंने कोई नहीं होती। लेकिन अच्छा प्रदर्शन की थी आपने, लेकिन इस पर आप इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं, ये भी मैं इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पार्टी तय करेगी। हम लोग पार्टी का, जैसे हम लोग पार्टी का कर्मी हैं, पार्टी करते हैं, और पार्टी जो ये डिसीजन लेगी हमको कबूल होगा। अगर पार्टी मुझे टिकट देना चाहती है, वहाँ से लड़ाना चाहती है, तो मैं तैयार हूँ। वहाँ से क्या, कहीं से भी पूरे ज़िला में अगर कहीं से भी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ अगर नहीं देती है, और रहा बात चाकुलिया का, चाकुलिया से मैं लड़ी थी, अगर वहाँ पार्टी मुझे टिकट देती है ठीक है, अगर नहीं देती है तो मैं जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसके साथ बखूबी तैयार हूँ, उसके लिए पूरा लड़ूंगी जी वो जान से, पार्टी के लिए मेहनत करूँगी और हमारे कैंडिडेट को जीता कर ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।